अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं दानिश कफार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। माशाल्लाह से खजूर का पौधा उग रहा है, छोटे फिर बड़ा और ये उससे बड़ा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है सीन। आज हम जा रहे हैं जी अपने चारे को पानी लगाने, तो चलते हैं जी। पहले ले आते हैं डीजल, बाइक हमारी तैयार खड़ी है माशाल्लाह से, इसको निकालते हैं बाहर। तो चलो चलते हैं जी डीजल लेने। पहले डीजल आ गए हैं और अब हम चलते हैं जी पानी लगाने के लिए। ये देखे जी खड़ी है ईमान की साइकिल। बेटा ईमान इसे नीचे उतार, आ जाओ। ये देखें जी बच्चे और उनके बच्चे चिल कर रहे हैं। ये देखें जी मेरी तरफ भाग रहे हैं कि कहीं क्या मेरे बच्चे ना उठा लें, इसलिए इनके चार बच्चे थे और इनको पता नहीं चला और कैट ने इनका एक बच्चा उठा लिया था और वो इसे खा गई है। तो अब ये बहुत एहतियात करती हैं ताकि कोई हमारा और कोई बच्चा ना उठा ले। जैसे मैं करीब हो रहा हूँ देखिए कैसे बोल रही हैं ताकि इनको महसूस हो रहा है कि कहीं ये मेरा बच्चा ना उठा लें, तो इसलिए ये आगे नचे बैठे हुए हैं। डॉगी कहीं काट ना ले। सबसे पहले हमने इधर पड़ोसियों के घर से उठानी है हत्थी, जिससे हम लगाना है जी पानी। असीब हत्थी की रिमाई कितने पई हुई मिल गई है जी, जिसके साथ हमने इंजन को स्टार्ट करना है। अब इसे ले चलते हैं। हमें ईमान कर रही है जी इंजन स्टार्ट, लेकिन ये ईमान के हाथ से नहीं चलेगा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। ईमान उम्मीद है हो जासी स्टार्ट तेरे को। ईमान कह रही है कि एक गाल मेरे वास्तु बाहर है। अदनान आप लगाएं। अदनान कह रहा मुझसे भी नहीं चलता मामू। बारिश आने की वजह से इधर पानी रुका हुआ है, मुझे पानी बाहर निकालना पड़ेगा ताकि ये पानी कहीं बेल्ट के ऊपर ना आ जाए। अगर ये पानी बेल्ट के ऊपर आ गया तो बेल्ट स्लिप हो जाएगा और नीचे उतर जाएगा, तो पहले निकालूंगा पानी। ये अब माशाल्लाह से हमारे पड़ोसियों ने लगाए हुए हैं जी पौधे बैल। ये उन्होंने साथ लगाया हुआ जामुन का पौधा, इधर भी है जामुन का पौधा और साथ में उन्होंने लगाया हुआ है जी सफेदा। भाई अभी आए थे और थोड़ी देर पहले ही पानी डालकर गए हैं बाल्टी। साथ में सब्जी वगैरह की बेलें भी लगाई हुई हैं उन्होंने। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सीन उन्होंने बनाया हुआ है। हमने चलाना था लेकिन इसका जो है ना पटा, इसका काबला खराब हुआ था, तो अब मैं ले आया हूँ जी नया। अभी इसमें नया डालेंगे तो तब स्टार्ट होगा। अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते तो ये स्लिप हो जाना था, बाहर निकल जाना था और पटा गिर जाता नीचे। अब ये नया लेकर आया हूँ, अब हम इसको इसमें डालेंगे और इसको ऊपर से कस देंगे। तो क्योंकि ये जो इसकी नल है ना, इसमें भी पानी डालना पड़ता है पहले, तो तब ये पानी उठाती है। अगर इसमें पानी मैंने ना डाला तो ये पानी नहीं उठाएगी। तो
डालते हैं जी पानी। ये बर्तन है जी, इसको इससे मैं डालूंगा पानी। मैं ये काबला लेने चला गया था, पता नहीं ईमान कहाँ गई हैं, अब मुझे मुश्किल करना पड़ेगी। ऐसे क्या निकली है? छिपकली। ये बात बैठी है, शुक्र है मुझे पता चल गया था। मैंने कर दिया जी इधर से बंद और इधर से दिया जी खोल। तो अब इसे पहले डालनी है खाद वगैरह, तो पहले खाद डालता हूँ तो उसके बाद इंजन स्टार्ट करूँगा। खाद हम लेकर आ गए जी और अब डालते हैं जी चारे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जहाँ भी जाता हूँ अनाम मेरे साथ होता है, कहता मामा मैंने भी खाद डाल दी। मैंने कहा बेटा ये आपसे उठाई नहीं जाएगी, मैं ही डालता हूँ। दिन के 10 बज चुके हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से मुझे रोज़ा भी है माशाल्लाह से। ले खाद हो गई है जी हमारी मुकम्मल माशाल्लाह से और अब जाकर मैं चलाता हूँ जी पीटर। ओके जी हमारा स्टार्ट और पानी जा रहा है अपने रास्ते। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।